वेलकम टू द नया एपिसोड। और आज की वीडियो में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत से लोग हैं ना मेरे पास कमेंट आ रहे थे जो लोग स्पीति प्लान कर रहे हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन उनका ये था कि जब हम लोग स्पीति राइड करें सो क्या हमारा स्प्लेंडर ले जाना या फिर जिक्सर जो कि मेरे पास अभी खड़ी हुई है इसको ले जाना वर्थ इट रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सो मैं आपको वो चीज़ आपको आज बताने वाला हूँ, वो आपको बताऊँगा जो चीज़ मेरे साथ पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी। अभी लास्ट टाइम मैंने स्पीति कराए -25 टेम्परेचर में। -25 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्या होता है जब बाइक ठंडी जगहों पे चलते तो बंद पड़ जाती है, सो वो एक्सपीरियंस भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पता लग पाएगा आपकी बाइक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। सो फाइनली चलो मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन सी प्रॉब्लम थी या वो कौन सी चीज़ थी जिससे मुझे इस बाइक में तकलीफ भी आई। सो गाइस बेसिकली ये मेरी बाइक है, इसको अभी लिए मुझे कम से कम 1 से 1.5 साल हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसका ना एक तो ये टूट गया था तो हम लोगों ने क्या ना ये पेच लगवा लिए थे जुगाड़, जब भी पैसा होगा हमारे पास अच्छा तो हम इसको दोबारा से रेनोवेट करा लेंगे। और देखो ये कि ये 3 पेच लगे हुए हैं, ये साइड का भाई ये तो पूरा बाहर आ गया था, फ्रंट का तो ये देख लो क्या जुगाड़ कर रखा है, यहाँ पेच लगा रखा है अंदर स्क्रू डाल के, और एक देखो ये रहा और सेम जगह यहाँ पे ये देखो ये पेच लगा रखे हम लोगों ने ताकि ना ये मत्था इसका निकले नहीं, सेम यहाँ पर एक पेच ठीक है। और ये देखो ये पूरा टूटा पड़ा है जिसकी वजह से जो हम लोग राइड कर रहे थे मिट्टी सीधा ऊपर आ रही यहाँ पे ठीक है। और दिखा दूँ क्या क्या चीज़ की टूटी हुई थी ताकि आप लोगों को ना एक्चुअल पता लग जाए कि बाइक इतना ख़राब होने के बाद भी ये चल पाई, कैसे हम लोगों ने स्पीति करा इस बाइक पे। सो देखो एक पेच यहाँ लगा पड़ा है, यहाँ लगा पड़ा है एक पेच और सेम यहाँ पे लगा पड़ा है। तो गाइस देखो अब मैं आपको बता दूँ ये जो बाइक है सभी को पता है 155 cc है, इसमें हम लोगों ने स्पीति कैसे करा। सो बेसिकली प्रॉब्लम आपको बता दूँ पहले हमें कहाँ कहाँ आई थी, मेन तो भाई पावर, पावर इसके 150 cc में ना बहुत कम है क्योंकि देखो हमारे पास एक और बाइक खड़ी है बोबाई की, ये 150 cc है पर इसमें बहुत ज़्यादा पावर है अकॉर्डिंग टू दिस ठीक है। सो इसमें पहली प्रॉब्लम जो आई वो हम आई थी इसकी पावर की, इसकी पावर ना बहुत कम थी यार, हम लोग सही से राइड भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी प्रॉब्लम हमें इसकी आई थी कि इसमें ना थोड़ी सी मतलब जब हम -25 पहुंच गए थे ना टेम्परेचर में तो वहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी थी, मीन्स जब हम इसे स्टार्ट कर रहे थे ना सो स्टार्ट नहीं होती और बार बार इसकी ना लाइट भी जा रही थी, वो ठंड का रीज़न हो सकता है बिकॉज हमारे गोप्रो भी इस टाइम जाम हो गए थे। में एक प्रॉब्लम और थी कि ये ना लिक्विड कूलिंग इंजन नहीं है, यानी कि जब हम लोग राइड कर रहे थे ना तो हुआ क्या हम लोगों को ना 100 किलोमीटर पर रोकनी पड़ रही थी, जहाँ उपदेश की बाइक अच्छे चल रही थी वहाँ मुझे इसको रेस्ट देना पड़ रहा था बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही थी। सेकंड चीज़ क्या है ये सिंगल चैनल ABS है यार, तो क्या हुआ था ना जब हम लोग आइस में राइड कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी मुझे ब्रेकिंग इशू में। सो ये दोनों चीज़ें ना मतलब थोड़ी मेजर इशू था क्योंकि बाइक में यार अगर आप बर्फ़ में राइड कर रहे हो वहाँ पर स्नो है तो आपके ब्रेकिंग काम ना हो तो आपको पता क्या होगा, बट मैंने वहाँ पर कंट्रोल कर लिया था सो मेरे को प्रॉब्लम इतनी नहीं हुई। अरे देखो एडवांटेज की बात करें तो पहले एडवांटेज इसका जो माइलेज है वो इतना तगड़ा मिला ना मुझे, मतलब पहाड़ पे भी हम खड़ी चढ़ाई पे भी 45 का माइलेज उस टाइम ये मुझे दे रही थी, जिस टाइम वहाँ पर उपदेश की बाइक आई थिंक 30 का माइलेज दे रही थी वहाँ पर ये मुझे 45 का दे रही थी, यानी कि 15 किलोमीटर का फर्क था। और बेनिफिट एक और मुझे मिला, देखो यार इसमें प्लेन को बैठने के लिए ना कितना स्पेस दे रखा है, तो आराम से प्लेन बैठ सकता है, जब प्लेन इतना कंफर्ट बैठेगा ना तो राइडर को भी देखो कितना कंफर्ट दे रखा है, बहुत बड़ी सीट है भाई उसके अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी है, उसमें अगर प्लेन को दिक्कत हो रही तो राइडर को तो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मतलब वो तो बेकार ही है, उसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको स्पीति के लिए। बट इसको मैं रिकमेंड एक चीज़ से कर सकता हूँ, एक तो सिटिंग पोजीशन अच्छा है, जब आप लॉन्ग टूर करते हो तो ऑब्वियसली बात आपको सिटिंग चाहिए होगी, सिटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। दूसरी चीज़ टैंक साइज़ का 11 लीटर नॉर्मली होता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती रहती है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इतना सब कुछ होने के बाद 1 साल हो चुका है इसको, आई थिंक 1.5 साल हो गया हाँ, तो बाइक लेने के बाद मुझे प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पावर की प्रॉब्लम थी, वो भी इतनी मेजर नहीं है बिकॉज वहाँ पर इसलिए फील हुआ ना मुझे क्योंकि वहाँ पर क्या था ना बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, अदरवाइज अगर मैं सिटी में राइड कर रहा हूँ ना सो ये मेरे लिए बहुत वर्थफुल थी। और जब हम लोग एक राइड करते हैं लंबी तो उसमें हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होते हैं, एक तो कम्फर्ट जो कि मेरी बाइक में पहले वीडियो में बता रखा है बहुत कम्फर्ट है भाई इस बाइक में, और इन जैसी बाइकों में कम्फर्ट सबसे ज़्यादा आता है, प्लेन को बैठने के लिए बहुत स्पेस था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, माइलेज 45 का दे रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टायर भाई टायर इसके ना करो 1.5 साल हो गए मुझे बाइक ले हुए एक बार भी चेंज नहीं कराए और वहाँ पर एक बार भी पंचर नहीं हुआ, एक बार भी टायर लीक नहीं करा मेरा,
मुझे इनकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। सो इस बाइक को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा जो लोग मेरी तरह छोटे यूट्यूबर हैं या मेरी तरह कोई अगर करना चाह रहा है राइड और स्पीति जाने का प्लान कर रहा है वो भी जिक्सर से, सो भाई जा सकते हो। आपका जुनून मैटर करता है, मैटर नहीं करता आपके पास बाइक 50 cc की हो, 100 cc की हो, 150 cc की हो, आपका जुनून मैटर करता है। और उसी जुनून के साथ अगर आप जाओगे तो आप कोई सी बाइक के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में अगर आप लोग जिसके पास जिक्सर है वो करना चाह रहा है तो मैं उसको बोल सकता हूँ रिकमेंड कि हाँ भाई लेके जाओ, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये वीडियो मैंने इसलिए बना दी, आप लोग के कमेंट आया था कि भाई जिक्सर के साथ हम जा सकते हैं स्पीति, सो भाई हाँ मैं अगर प्लान करूँगा ना इन फ्यूचर तो मैं इसका लद्दाख भी जाऊँगा भाई, अगर मेरा जुनून रहा तो, और मैं होप करता हूँ मैं जाऊँगा भी। सो चलो ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।